और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, यूपी में 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर मिल रही है। प्रति शारद 4 आईएएस अधिकारियों को भी पोस्टिंग मिली है। आशुतोष निरंजन बने नियोजन विभाग के विशेष सचिव, इसके अलावा राकेश कुमार मिश्रा बने विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। बिल्कुल, इसके अलावा आपको बता दें वैभव श्रीवास्तव बने हैं विशेष सचिव गृह और कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग। तो एक बार फिर से आईएएस के तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें कि प्रतीक्षारत 4 आईएएस अधिकारी को भी जगह दी गई है। आपको बता दें यहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें कि 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आशुतोष निरंजन बने हैं नियोजन विभाग के विशेष सचिव, राकेश कुमार बने हैं विशेष सचिव। ये बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। यूपी में 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। जो वेटिंग में 4 आईएएस अधिकारी थे उनको भी पोस्टिंग दी जा चुकी है, और जो बड़े नाम है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आशुतोष निरंजन नियोजन विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं, राकेश कुमार मिश्रा विशेष सचिव की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की जिम्मेदारी मिली, वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह और कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। वो देखिए लिस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो लिस्ट जारी की गई है, और बहुत जल्द ये तमाम जो अधिकारी हैं वो अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर पहुंचकर कामकाज संभाल लेंगे। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यूपी में 12 आईएएस के तबादले हो चुके हैं, और जो वेटिंग में 4 आईएएस अधिकारी थे उनको भी पोस्टिंग मिल चुकी है। शैलेश, ये जो कितने बड़े नाम इसमें है और कितने बड़े तबादले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो इस समय वेटिंग में चल रहे थे लंबे समय से, उनमें सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे अमृत त्रिपाठी का, जो आजमगढ़ में डीएम हुआ करते थे, और उसके बाद जब चुनाव हुए, चुनाव में तो आजमगढ़ की स्थिति थी वो किसी ने छुपी नहीं है। उसके बाद में चुनाव के कुछ समय बाद जो है उनको वापस बताया गया था, हालांकि इससे किसी किसी और वजह की बात नहीं सामने बताई जा रही थी, लेकिन सबसे वो वेटिंग में चल रहे थे उनको अब पोस्टिंग दी गई है विशेष सचिव नियोजन विभाग में। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 और ऐसे आईएएस जो शामिल है जो लंबे समय से वेटिंग में थे, इंतजार कर रहे थे पोस्टिंग के लिए, तैनाती के लिए, जिसमें आशुतोष निरंजन, राकेश कुमार मिश्रा, वैभव श्रीवास्तव का नाम है। इन तीनों को ही अलग अलग विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। वैभव श्रीवास्तव की अगर बात करें तो उन्हें गृह विभाग और कारागार प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अगर बाकी 8 आईएएस अफसर को देखते हैं तो देखिए उनको जहां वो वर्तमान में तैनात थे वहां से दूसरी जगह भेजा गया है। जैसे हम सुनील प्रताप सिंह की या प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में थे, जिन्हें अपर समायुक्त कानपुर बनाया गया है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं विवेक को, जो विशेष सचिव नियोजन विभाग में थे, उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ओम प्रकाश वर्मा जो खाद्य रसद में थे उनको अपर आयुक्त फॉरेस्टर बनाया गया है। अटल कुमार राय जो गृह विभाग में थे उन्हें कानपुर भेज दिया गया है अपर आयुक्त उद्योग बनाकर। इसी तरह रविंद्र पाल सिंह जो विशेष सचिव थे गृह विभाग के, उनको माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, विशेष सचिव बनाया गया है। संदीप कौर की अगर बात करते हैं तो कृषि उत्पादन आयुक्त में होती विशेष सचिव, उनको अब महिला कल्याण और बाल विकास सहायता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरविंद कुमार चौरसिया जो आवास और शहरी नियोजन में विशेष सचिव थे, उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त भेजा गया। तो एक तरह से देखिए ये तबादले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए उनके लिए राहत की बात, जो वेटिंग में चल रहे थे, इंतजार कर रहे थे तैनाती का, तो उनको निश्चित रूप से एक बड़ी राहत मिली है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ और तबादले भी सामने आ सकते हैं, कुछ और ब्यूरोक्रेसी में अभी नए नाम आने हैं। बिल्कुल, कई नए नाम भी अभी देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।